फ्रेंड्स, आप सबने एक अच्छे से रेस्टोरेंट में पास्ता तो जरूर खाए होंगे और आपको पता ही होगा कि पास्ता की एक डिश की कॉस्ट होती है नियरली 120 रुपीज। क्या आप जानते हैं कि अगर हम रेस्टोरेंट स्टाइल पास्ता घर पर बनाते हैं तो उसके लिए हमें कितनी कॉस्ट पड़ेगी? और इसी तरह से मैगी या फिर किसी भी ब्रांड के पास्ता अगर आप घर पर बनाते हैं तो उसके लिए आप कितने रुपीज पे करते हैं? अगर इन सारे सवालों का जवाब आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, अगर रेसिपी को लेकर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं किचन की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बनाते हैं इंस्टेंट पास्ता। यहाँ हमने मैगी कंपनी के पास्ता यूज किए हैं। वैसे मार्केट में अलग अलग तरह के पास्ता अवेलेबल है, आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी ब्रांड के पास्ता ले सकते हैं। अब इसके एक पैकेट का जो वजन है वो है 64 ग्राम्स। यहाँ हम ऐसे दो पैकेट्स यूज करेंगे और इसके एक पैकेट की जो कॉस्ट है वो है 25 रुपीज, और ये 3 रुपीज ऑफ है इसलिए ये हमें पड़ा 22 रुपीज में। इसलिए दो पैकेट्स के हिसाब से ये मुझे पड़ा 44 रुपीज में। पैकेट के पीछे रेसिपी इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएगी, उस हिसाब से इसमें हमने 2 कप पानी डाला। पानी जब थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद इसमें डालें टेस्ट मेकर, और उसके बाद पास्ता डालकर इसे 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाना है। सो फ्रेंड्स, पास्ता रेडी हो, तब तक आइए इसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। इसके अंदर जो पास्ता यूज हुए है वो है सेमोलिना पास्ता, जो कि वीट यानी के गेहूं के आटे में से तैयार किए जाते हैं, और साथ ही इस पैकेट के अंदर कुछ डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स का यूज किया गया है। वेजिटेबल्स को पील करके अच्छे से साफ करने के बाद उन्हें प्रोसेस किया जाता है, और प्रोसेस करने के बाद उसमें से ड्राई पाउडर तैयार किया जाता है या फिर उन्हें एज अ ग्रेन्यूल्स भी यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट, इसके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव्स का यूज किया गया है। ये सभी प्रिजर्वेटिव्स पैकेज्ड फूड के फ्लेवर को बरकरार रखने के लिए और बैक्टीरिया को प्रिवेंट करने के लिए डाले जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी इस पैकेट के अंदर के इंग्रेडिएंट्स की एक शॉर्ट डिटेल। इसके बारे में आगे हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे। अब फिलहाल ये देखिए कि इंस्टेंट पास्ता बनाने कितने आसान है। जस्ट पानी डालिए, उसे गर्म कीजिए, टेस्ट मेकर ऐड कीजिए और पास्ता डालकर इसे 5 से 7 मिनट तक बॉईल कीजिए, और ये हमारे झटपट इंस्टेंट पास्ता बनकर तैयार है। इसे हम अलग बाउल में निकाल देते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने इंस्टेंट पास्ता बना दिए हैं। अब हम बनाएंगे घर के बने इटालियन पास्ता, जो कि टेस्ट में होंगे बिल्कुल होटल जैसे, और साथ ही हम आपको बताएंगे कि पास्ता की ये एक डिश हमें कितने में पड़ी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में लेंगे 1 लीटर पानी, और पानी जब थोड़ा सा गर्म होने लगे तब उसमें डालें 2 चम्मच तेल, थोड़ा सा नमक ऐड करें और इसमें मैक्रोनी पास्ता डालकर बॉईल कर लें। अब जैसे कि आपने देखा कि इंस्टेंट पास्ता के दो पैकेट का वजन था 128 ग्राम्स, इसी तरह से हम मैक्रोनी पास्ता की भी क्वांटिटी सेम रखेंगे। सो यहाँ जो ये हमने पास्ता यूज किए हैं वो वजन में है 128 ग्राम्स। अब ये पास्ता हमें कितने में पड़े इसका हम आपको एक अप्रोक्स आइडिया दे देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप पास्ता मार्केट में से लेने जाएंगे तो आपको उसकी प्राइस पर केजी 110 या फिर 120 रुपए के आसपास पड़ेगी, तो उस हिसाब से आपको ये 128 ग्राम्स पास्ता 15 रुपए के आसपास पड़ेंगे। अब फ्रेंड्स, क्या आपने यहाँ पे एक बात नोटिस की? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मार्केट में पास्ता लेने जाते हैं तो उसके लिए आप पर केजी 110 या फिर 120 रुपए पे करते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आप किसी अच्छी सी होटल या फिर रेस्टोरेंट में पास्ता खाने जाते हैं तो वहां पर भी आप पास्ता की एक डिश के लगभग 110 या फिर 120 रुपए पे करते हैं। तो यहीं पर आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि होटल में बने पास्ता और घर के बने पास्ता की प्राइस में क्या डिफरेंस होगा। सो जो लोग बजट मेंटेन करके चलते हैं उन लोगों को ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो वीडियो में अंत तक बने रहें। सो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी की ओर मूव ऑन करते हैं। अब यहाँ आपको जो पास्ता है उसको 100% बॉईल ना करके सिर्फ 70-80% बॉईल करना है। इसे ज़्यादा बॉईल ना करें वरना ये सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखें, इसे इस स्टेज पर पानी में से निकाल कर इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डालें ताकि इसके अंदर की जो कुकिंग प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाए, और उसके बाद थोड़ा सा ऑयल वाला हाथ लगाकर इसे अच्छे से ग्रीस करें ताकि ये आपस में चिपके नहीं। चलिए अब रेड सॉस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच तेल और 1 चम्मच बटर डालकर इसे थोड़ा सा गर्म होने दें।
इसके बाद एक हरी मिर्च और 3 लहसुन की कलियां लेकर इसकी पेस्ट बनाकर इसके अंदर ऐड करें और कुछ सेकंड तक इसे मध्यम आंच पर भून लें। अब फ्रेंड्स, यहाँ हमने 2 चम्मच तेल लिया और 1 चम्मच बटर लिया। इन दोनों की अगर हम कॉस्ट गिने तो ये हमें 5 रुपए से ज़्यादा नहीं लगेगा और साथ ही लहसुन मिर्च की पेस्ट के हम गिनेंगे अप्रॉक्स 2 रुपए। तो यहाँ आप देखिए, हमने लहसुन मिर्च की पेस्ट को कुछ सेकंड तक भून लिया है। अब नेक्स्ट इसके अंदर ऐड करेंगे बारीक कटी प्याज। अब यहाँ हमने 2 मीडियम साइज की प्याज ली है जो कि है वजन में अप्रॉक्स 150 ग्राम। अब प्याज को हमें लाइट पिंक कलर आने तक भून लेना है। आंच को मध्यम रखें और इसे बीच बीच में मिलाते रहें। प्याज के रेट की बात करें तो एरिया या फिर सिटी वाइज हर सब्जी या फिर कोई भी चीज़ में थोड़ा सा रेट्स का डिफरेंस रहता है। अब जब हमने ये वीडियो शूट किया था तब ज़्यादा गर्मियाँ स्टार्ट नहीं हुई थी और जैसे कि आप जानते हैं कि विंटर में प्याज थोड़ी सी सस्ती मिलती है, सो हमने 1 किलो प्याज 25 रुपये में ख़रीदी। हमने इसमें 150 ग्राम प्याज डाली है तो उस हिसाब से यहाँ हम प्याज के 3 रुपये गिनेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर हम होटल स्टाइल कोई भी डिश घर पर बनाते हैं तो या तो उसमें से काफ़ी सारा सामान हमारे घर पर ही अवेलेबल होता है या फिर अगर हम उसे बाजार से भी लेने जाते हैं तो वो हमें बहुत ही सस्ता पड़ता है। अभी देखिए, आप देख सकते हैं कि प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हरी शिमला मिर्च। हरी शिमला मिर्च की यहाँ हमने सिर्फ 1 स्लाइस यूज़ की है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब आगे इसमें हम डालेंगे टमाटो प्योरी। यहाँ हमने 2 मीडियम साइज के टमाटर लेकर इसे मिक्सी जार में ग्राइंड करके इस तरह से इसकी प्योरी तैयार की है, इसे इसके अंदर ऐड करेंगे। अब टमाटर को आपको कुछ देर तक भून लेना है जब तक उसके ऊपर से हल्का सा तेल छूटने ना लगे। मीडियम लो फ्लेम पर इसे बीच बीच में चलाते हुए मिलाते रहें। अब फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको बताया कि जब ये वीडियो हमने शूट किया था तो ज़्यादा गर्मियाँ स्टार्ट नहीं हुई थी और आप जानते हैं कि विंटर की सीजन में टमाटर बहुत ही सस्ते मिलते हैं। पर केजी आपको टमाटर 10 या 15 रुपये के आसपास मिलेंगे और उस हिसाब से हमने इसमें 2 टमाटर ऐड किए हैं, इसलिए ये हमें 2 से 3 रुपये से ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ये देखिए, हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अब नेक्स्ट इसमें हम डालेंगे शेजवान सॉस। यहाँ हम 2 से 2.5 चम्मच शेजवान सॉस डाल रहे हैं। आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप उस हिसाब से इसकी जो क्वांटिटी है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब शेजवान सॉस डालने के बाद इसे थोड़ा सा टैंगी टेस्ट देने के लिए इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच टोमेटो केचप। इसके बाद डालेंगे स्वादानुसार नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच ऑरेगानो और 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स डालकर इन सबको अच्छे से मिला लें। अब इस सॉस को हमें कुछ देर तक इसी तरह से मिलाते हुए पकाना है। फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है और कुछ देर के बाद इसे हम ढक कर पकाएंगे ताकि जो मसाले हैं, सॉसेस हैं और जो टमाटर हैं वो आपस में अच्छे से ब्लेंड हो जाए और तेल छूटने लगे। तब तक हमें इसे लो फ्लेम पर पकाना है और बीच बीच में इसे मिलाते रहें। अब टमाटर डालने के बाद जो इसमें हमने शेजवान सॉस ऐड की, टोमेटो केचप ऐड की और कुछ हर्ब्स डाले, उसके हम अप्रॉक्स 5 रुपये गिनेंगे। और इसमें भी अगर आपके पास घर की बनी शेजवान सॉस है तो वो आपको उससे भी ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे कि इन सभी सामग्रियों के लिए हमने कितने पैसे खर्च किए और पास्ता की 1 डिश हमें कितने में पड़ी। सो वीडियो को अंत तक पूरा देखें और हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए वीडियो को अभी से ही लाइक कर दें और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के लाल बटन को प्रेस कीजिए और नए वीडियो के अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। अब अगर हम इंस्टेंट पास्ता की बात करें तो उसका जो पैकेट होता है उसके अंदर पास्ता के अलावा टेस्ट मेकर का पाउच मिलता है और उस पाउच के अंदर आपको थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स मिल जाएगी जिसको प्रोसेस करके यानी कि डिहाइड्रेट करके इसके अंदर ऐड किया जाता है और साथ में जो उसमें थोड़ा सा पाउडर फॉर्म होता है वो होते हैं कुछ प्रिजर्वेटिव्स और साथ में कुछ हर्ब्स या फिर मसाले भी डालते हैं। सो इसमें सब कुछ डला होता है इसलिए इसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। इसलिए अगर आप वर्किंग है या फिर आपके पास टाइम कम है या फिर बच्चे शाम के टाइम पे कुछ इंस्टेंट खाना पसंद करते हैं तो आप उन्हें किसी भी ब्रांड के पास्ता या फिर मैगी कंपनी के पास्ता बनाकर दे सकते हैं जो कि बहुत ही झटपट बन जाते हैं। दूसरी ओर, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और चाहते हैं कि अपनी फैमिली को कुछ हेल्दी खिलाएं
तो ऐसे में घर के बने पास्ता बेस्ट ऑप्शन है। या फिर आपके घर आए मेहमानों को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो उन्हें ये होटल स्टाइल पास्ता बनाकर ज़रूर खिलाएं, क्योंकि इसे बनाने में हम सारी फ्रेश वेजिटेबल्स का यूज़ करते हैं, ना ही इसमें हम कोई प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं और ना ही कुछ आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डालते हैं। सो ये घर के बने इटालियन पास्ता क्वालिटी और क्वान्टिटी वाइज बेस्ट रहते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं कि इंस्टेंट पास्ता के अंदर जो पैकेट मिलता है उसके कंटेंट्स में बहुत ही कम सब्जियों का यूज़ किया जाता है और साथ ही उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स या फिर कुछ स्पाइसेस और हर्ब्स डाल दिए जाते हैं, सो इसलिए उसे खाते टाइम एक मिक्स फ्लेवर सा फील होता है, यानी कि कोई भी सब्जी या फिर किसी भी कंटेंट का हमें प्रोमिनेंट टेस्ट फील नहीं होता। इसके अंदर जो डोमिनेटिंग फ्लेवर होता है वो जस्ट पास्ता का रहता है। और इसी तरह से अगर हम घर के बने पास्ता की बात करें तो जो भी हम उसमें वेजिटेबल्स या फिर सॉसेस डालते हैं उसका हमें एक प्रोमिनेंट टेस्ट फील होता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ हम मैगी या फिर किसी भी ब्रांड की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम खुद मैगी कंपनी के पास्ता पसंद करते हैं और अपने बच्चों को भी खिलाते हैं, इवन हमने इसके सारे फ्लेवर्स ट्राई किए हैं और सभी अच्छे भी हैं। ये जो वीडियो हमने बनाया है वो जस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, हम किसी भी ब्रांड की बुराई नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारी रेड सॉस है वो बहुत ही अच्छी तरह से भुन गई है और इसके ऊपर तेल भी छूटने लगा है। अब इस स्टेज पर जो हमने मैक्रोनी पास्ता बॉईल किए हैं इसे इसके अंदर डाल देंगे। इसे अच्छे से मिला लें ताकि जो सॉसेस हैं वो मैक्रोनी पास्ता के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। पास्ता बनकर तैयार है, अब इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल देंगे। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि पास्ता की एक डिश हमें कितने में पड़ी। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमने पास्ता बनाने के लिए जितनी भी सामग्री यूज़ की है उसके लिए हमने अप्रॉक्स 33 यानी कि 33 रुपए खर्च किए हैं, और इसे बनाने के लिए हमने गैस भी यूज़ किया है और उसके हमने अप्रॉक्स 10 रुपए काउंट किए हैं। सो उस हिसाब से पास्ता की एक डिश बनाने के लिए हमने अप्रॉक्स 43-45 रुपए खर्च किए, और इसके साथ हमने इंस्टेंट पास्ता के दो पैकेट साथ में बनाए जिसके लिए हमने 44 रुपीस खर्च किए, और इसे बनाने के लिए जो भी हमने गैस यूज किया उसके हम अप्रॉक्स 5-6 रुपीस काउंट करेंगे। सो ये इंस्टेंट पास्ता की एक डिश हमें 50 रुपीस के अराउंड पड़ी। अब जैसे कि आपने देखा कि इंस्टेंट पास्ता और घर के बने पास्ता के लिए जितने हमने पैसे खर्च किए दोनों की अमाउंट अप्रॉक्स सेम आ रही है, यानी कि दोनों के लिए हमने 50 रुपए के आसपास खर्च किए हैं। और इसी तरह से अगर आप किसी अच्छे से होटल या फिर रेस्टोरेंट में पास्ता की एक डिश मंगवाते हैं तो वो आपको लगभग 110 या फिर 120 रुपए के आसपास पड़ेगी, जो कि घर के बने पास्ता से 2 गुना ज्यादा है। सो फ्रेंड्स, अब आप हमें ये कमेंट करके बताएं कि आप कौन से पास्ता ज्यादा प्रेफर करेंगे, घर के बने पास्ता या फिर रेस्टोरेंट वाले पास्ता, और साथ में हमें ये भी बताइए कि आप इंस्टेंट पास्ता पसंद करते हैं या फिर घर के बने पास्ता। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा इस बारे में भी आपके सुझाव हमारे साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।